प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपसे निर्देशांक ज्यामिति के एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो हमारा है आज का, वो दो प्रश्नों के मिलने से बना है। पहला प्रश्न यह है, किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब का समीकरण ज्ञात करना, क्लियर। और दूसरा पार्ट जो है वो ये है कि लंब के पाथ के निर्देशांक ज्ञात करना, अर्थात इसको हम ऐसे कह सकते हैं, दो रेखाओं का प्रच्छेद बिंदु ज्ञात करना, दो रेखाओं का कटान बिंदु ज्ञात करना। तो मान लीजिए आपको एक रेखा दी गई है, ये क्लियर, और इस रेखा का समीकरण आपको दे दिया 2x + 3y = 7। ये तो आपकी दी गई रेखा हो गई। और एक पॉइंट आपको दे दिया, इस पॉइंट को हमने P मान लिया है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए, मान लीजिए 4,4। तो इस पॉइंट से इस रेखा पर लंब डालिए आप पहले, क्लियर, ये लंब पड़ गया आपका। इस लंब ने इस दी गई रेखा को जिस बिंदु पर काटा, उस बिंदु को हम कहते हैं इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब का पाद, इसको हमने क्यू मान लिया। तो अब हमारे लिए क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए आपकी एक रेखा ही जा रही है और आपकी ये रेखा ही जा रही है, तो यहां पर जो काटता है ये कटान बिंदु कहलाता है। तो अब चूंकि हमें क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसका मतलब ये हुआ एक रेखा हमारी पी क्यू जा रही है और एक हमारी दी गई रेखा जा रही है, इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे हम, तो वही हमारा जो है वो लंब का पाद हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए आज का हम प्रश्न लेते हैं, बिंदु 4,4 से सरल रेखा 2x + 3y = 7 पर डाले गए लंब के पाद क्यू के निर्देशांक ज्ञात करो, क्लियर। तो देखिए जैसा कि आपको हमने बताया था, सबसे पहले हम प्रश्न में दिए हुए आंकड़ों को लिख लेते हैं, उससे हमारे लिए प्रश्न करने में काफी सुविधा प्राप्त होती है। तो हमने लिख लिया, दिया है बिंदु P 4,4 और दी गई रेखा लिख ली हमने 2x + 3y = 7, क्लियर। तो जैसा कि आपको हमने बताया था, यदि किसी रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो उसमें क्या करते हैं हम, एक्स और वाई के गुणांकों को परस्पर बदल देते हैं, और फिर उसके बाद x या y किसी एक के चिन्ह बदल देते हैं। तो प्रायः हम y के चिन्ह बदल देते हैं और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हटा देते हैं और RHS में लैम्डा लगा देते हैं। आपका मन है आप RHS में लैम्डा लगाइए, आपका मन है RHS में लैम्डा लगाइए। RHS में लैम्डा लगाना हमारे लिए जरा अच्छा लगता है, वो जरा सुविधाजनक है, इसलिए हम RHS में लगाते हैं। तो देखिए इस नियम के हिसाब से आपकी दी गई रेखा हो गई 2x + 3y = 7। हमने लिख दिया इस रेखा पर लंब रेखा का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण का मतलब यह है, जो आपको रेखा दी गई है उस पर अरबों खरबों रेखाएं ऐसी होंगी जो लंब हैं, उन सभी का समीकरण लिख जाएगा। अब लैम्डा का मान जिस रेखा के लिए होगा वो उसी लैम्डा का मान उससे संबंधित लगा देंगे, तो हमारे लिए उसी रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो मैं लिख दिया लंब रेखा का समीकरण 3x - 2y = λ। हमने क्या किया, देखिए इस x के गुणांकों को तो y के स्थान पहुंचा दिया, और y के गुणांक को हमने x के गुणांक के स्थान पहुंचा दिया, और y का हमने निशान डाल दिया, तो इस प्रकार और लैम्डा यहां पर लगा दिया RHS में, इस कॉन्स्टेंट को हमने खत्म कर दिया। तो हमारी लंब रेखा का समीकरण हो गया, व्यापक समीकरण हो गया 3x - 2y = λ, इसको हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब जिस लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, वो रेखा हमारी 4,4 से जा रही है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, इसलिए लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण नंबर 2 में हम x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 4 लगा देंगे। जब x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 4 लगाएंगे, तो हमारा समीकरण है 3x - 2y = λ। तो 3 तो ये लिख जाएगा आपका, और x के स्थान पर 4 लगा दिया, मानस आपका ये वाला आ रहा है, 2 आपके ये आ रहे हैं, और y के स्थान पर 4 लगा दिया, बराबर लैम्डा लगा दिया। 3 और 4 की गुणा आपकी 12 आ गई, मानस ये आ गया, 2 और 4 का गुणा आ गया आपकी 8, और बराबर लैम्डा ये आ गया, 12 प्लस के हैं और 8 माइनस के हैं, तो इस प्रकार से आपके 4 प्लस के बच जाएंगे, तो 4 = λ, अर्थात λ = 4। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में लगाएंगे 4,
तो हमारे लिए उस लंब रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा जो दिए हुए बिंदु 4.4 से जा रही है और दिए हुए जगह पर लंब है। तो इसलिए अब लैम्डा का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लंब रेखा का समीकरण प्राप्त हो गया हमारे लिए 3x - 2y = 4। क्लियर? तो हमें इस रेखा का समीकरण भी प्राप्त हो गया और इस रेखा का समीकरण भी प्राप्त हो गया, ये दिया हुआ है ही हमारे लिए। अब हमें लंब के पथ क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, इसका मतलब ये हुआ हमें इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और कटान बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का मतलब ये होता है कि हम उन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स और वाई के मान निकाल लें। एक्स का मान जो निकल के आएगा वो उस बिंदु का भुज हो जाएगा, वाई का मान निकल के जो आएगा वो उस बिंदु का कोट हो जाएगा। क्लियर? तो अब इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लिया, इससे हमें सवाल को करने में काफी सुगमता होती है। तो पहला वाला समीकरण लिख लिया हमने 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण लिख लिया हमने 3x - 2y = 4। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम एक्स वाई के मान निकालेंगे। इसके अनेकों विधियां हैं, हम आपको विलोपन विधि बतला रहे हैं। विलोपन विधि से प्रश्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरणों को हल करने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले x या y को दोनों समीकरणों में से विलुप्त कर देते हैं। अगर x को विलुप्त करना सुविधाजनक है तो x को कर देते हैं, y को सुविधाजनक है विलुप्त करना तो y को कर देते हैं। एक का हमारे लिए मान प्राप्त हो जाता है, फिर उसका मान किसी समीकरण नंबर 1 में या 2 में या 3 में जिसमें भी सुविधा होती है उसमें लगा के दूसरी चीज का मान प्राप्त कर देते हैं। और इस प्रकार से हमारे लिए एक्स और वाई जब दोनों के मान प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे लिए उस समीकरण का हल प्राप्त हो गया या उन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गए। तो देखिए हम इन समीकरणों को हल कर रहे हैं, इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हमने विचार किया कि इन समीकरण में हमारे लिए y को विलुप्त करना सुविधाजनक है, इसलिए y को विलुप्त करने के लिए समीकरण नंबर 1 को हमने 2 से गुणा कर दिया और समीकरण नंबर 3 को हमने 3 से गुणा कर दिया। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 6y = 17 और जब 3 से गुणा इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 9x - 6y = 12। अब हम यहां पर लिख देंगे जोड़ने पर, यहां पर 6y प्लस के हैं और यहां पर 6y माइनस के हैं, जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 4x और 9x दोनों प्लस के हैं तो 13x प्लस के ये आ जाएंगे और 14 और 12 इनको जोड़ेंगे 26 आ जाएंगे। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया 13x = 26, x = 26/13 अर्थात x = 2। हम इसको इससे काट देंगे क्योंकि 2 इसमें कॉमन फैक्टर है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे लिए एक्स का मान प्राप्त हो गया। अब y का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम इस x का मान या तो समीकरण नंबर 1 में लगा देंगे या समीकरण नंबर 3 में लगा देंगे। हर स्टेप पर ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से प्रश्न को हल करना सुगम पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी। हमने विचार किया कि समीकरण नंबर 1 में मान लगाने से हमें सुविधा ज्यादा रहेगी, इसलिए हमने इसका मान समीकरण नंबर 1 में लगा दिया। यदि हम विचार करते कि समीकरण नंबर 2 में लगाना सुविधाजनक है तो हम उसमें लगा देते। आप अगर विचार नहीं कर सकते हैं तो आप जिसमें चाहें उसमें लगा दीजिए। तो हमने लिख दिया x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जिस समीकरण में मान लगाना है हमारे लिए उस समीकरण को पहले हम उतार लेते हैं। तो हमने उतार लिया 2x + 3y = 7 और मान लगाएंगे तो x का मान चूंकि 2 निकल के आया है इसलिए x के स्थान पर 2 लगा देंगे हम, तो 2 × 2 = 4 तो हमारे ये आ गए, प्लस का ये आ गया और 3y ये आ गए बराबर 7 आ गए। LHS में जब ये 4 लिखे हुए हैं इसको RHS में ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 3y = 7 - 4 और ये 7 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, तो जब 4 माइनस के हैं तो 7 में से जब 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 3y = 3 और y = 3/3 अर्थात 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें y बराबर प्राप्त हो गया 1 के। क्लियर? तो इस प्रकार से हमारे लिए x का मान 2 प्राप्त हुआ और y का मान 1 प्राप्त हुआ। जो x और y के मान प्राप्त हुए वही q के निर्देशांक कहलाएंगे। x का मान भुज कहलाता है, y का मान कोट कहलाता है। भुज को पहले लिखा जाता है, कोट को बाद में लिखा जाता है। तो हमने आंसर में लिख दिया लंब के पथ q के निर्देशांक 2.1 हैं उत्तर। क्लियर? इस प्रकार के अनेकों प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तकों में दिए गए हैं, आप उन्हें कीजिए, उनको समझिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और प्रश्नों को सुगमता से करने का अभ्यास कीजिए। आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं, अगली बार किसी नए टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।